सुजलोन शेयर के बारे में। राइट, अगले हमारे कॉलर है मिस्टर एम एन भट्टाचार्य फ्रॉम बंगलुरु। भट्टाचार्य जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? मेरे पास में सुजलोन है 1700 ओके और 13 40 का लिया हुआ है, और एनएमडीसी है 400 और वो लिस्ट हुआ है 203 का। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नोट किया, दोनों नोट कर लिए मैंने। चलिए तो पहले एनएमडीसी पे बात कर लेते हैं, जहां आपको ₹26 का प्रॉफिट है, आपकी 203 की खरीदारी है ना, तो ₹26 आप ऊपर है, क्या करना चाहिए सर इनको एनएमडीसी में? देखिए आपने अभी जी एनएमडीसी पे मैंने अभी रिकमेंड भी किया है, क्योंकि किया है इलेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, बुलिश पैटर्न बना है, आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजिशन को होल्ड करिए। पोजिशनल बेसिस पे आपको ₹215 का स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि अगर ये 245 248 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 270 से लेकर 280 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो 224 का स्टॉप लॉस आज का रिकमेंडेशन भी है मानस साहब का, तो आगे अगर बढ़िया चला तो ₹270 तक के ऊपर जाएगा, तो ये तो होल्ड करना है सर भट्टाचार्य जी एनएमडीसी। दूसरा सर इनके पास सुजलोन जो कि 1700 शेयर हैं और करीब ₹40 39.90 यहाँ 40 के भाव पे, हालांकि है इनको प्रॉफिट, अभी पिछले कुछ दिनों में सुजलोन ने थोड़ी उड़ान भर ली है, तो ये ₹40 के ऊपर है प्रॉफिट पे पर शेयर में। तो देखिए यहाँ पर केवल आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके पोजीशन को होल्ड करिए, टेक्निकली देखें तो शायद ₹100 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन काफी वोलेटाइल स्टॉक है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 69 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन को होल्ड करिए ₹100 के टारगेट के लिए। चलिए 69 पे स्टॉप लॉस सुजलोन पे और ₹100 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह सुजलोन एनर्जी।